माँ बेटी किचन आपका स्वागत करता है। आज मैं बनाऊंगी बची हुई रोटी से रसगुल्ले। तो देखिए कितने सॉफ्ट यहाँ पे हमने रसगुल्ले बनाए हैं, बहुत सॉफ्ट रसगुल्ले बनके तैयार हुए हैं। तो चलिए हम इसे बना लेते हैं। रसगुल्ला बनाने के लिए हमें चाहिए चार रोटियाँ, 200 ग्राम चीनी लगभग एक कटोरी, एक कप दूध, इलायची का पाउडर आधे चम्मच, 2 चम्मच देसी घी, 3 चम्मच मिल्क पाउडर, 2 चम्मच मैदा, बेकिंग सोडा 1/4 चम्मच। सबसे पहले हम रोटियों को तोड़ लेते हैं। सारी रोटी के हम टुकड़े टुकड़े कर लेते हैं। सारी रोटियों को हमने तोड़ लिया है। गैस हमने ऑन कर ली है, फ्राई पैन रखा है, तो फ्राई पैन में हम रोटी के टुकड़ों को डाल देते हैं और इनको लगातार चलाते हुए सेक लेते हैं। रोटी हमारी सिक गई हैं, तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इन्हें ठंडा कर लेते हैं। जब तक हमारी रोटियां ठंडी हो रही हैं, तब तक हम चाशनी बना लेते हैं। एक भगोना में 1 कटोरी हम चीनी डाल देते हैं, साथ ही में इसी कटोरी के नाप से पानी डाल देंगे। 1 कटोरी हमने पानी डाला है, थोड़ा सा पानी हम और डाल देते हैं, लगभग आधी कटोरी, और इसकी चाशनी बना लेते हैं। चाशनी को हमने लगातार चलाते हुए पका लिया है, तो चाशनी को हम चेक कर लेते हैं उंगलियों की सहायता से। देखेंगे तो इसमें अच्छे से चिपचिपापन लगेगा, तो हमारी चाशनी तैयार है। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं। बासी रोटी हमारी ठंडी हो गई हैं, एकदम कुरकुरी हो गई हैं, तो एक जार में हम इनको डाल लेते हैं और महीन पीस लेंगे। रोटी को हमने महीन पीस लिया है, अब हम इनको छान लेते हैं। तो एक बाउल के ऊपर हमने छन्नी रखी है और इनको छान लेते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, साथ में हमने यहाँ पे 2 चम्मच मैदा लिए, इसे भी डाल देते हैं, और मिल्क पाउडर 3 चम्मच। इन सारी चीजों को हम मिला लेते हैं। साथ में हम डाल देते हैं इलायची का पाउडर और देसी घी 2 चम्मच। इन सारी चीजों को फिर से हम मिला लेते हैं एक बार। अब हम इसमें जरूरत के हिसाब से दूध डालेंगे। अभी हम इसमें और दूध डालेंगे, जितने दूध की हमें जरूरत होगी डो को लगाने में उतना दूध हम डाल देते हैं और फिर से मिला लेते हैं। हमें इसका एकदम सॉफ्ट डो लगाना है, तो हम इसको बार बार थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए अच्छे से चिकना कर लेते हैं। हमने डो में दूध डाल के इस तरीके से रख देते हैं ताकि हमारा डो अच्छे से फूल जाए, तो रसगुल्ले हमारे अच्छे मुलायम और सॉफ्ट बनेंगे। तो इसको हम ढक के रख देते हैं 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो गए हैं, डो हमारा रेस्ट कर चुका है, तो हाथों से एक बार हम फिर से इसे मिला लेते हैं। डो को हमने एक बार फिर से मिला लिया है। अगर डो हाथों में चिपके तो आप थोड़ा सा तेल या घी लगा सकते हैं,
और इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। बॉल्स हमारे अच्छे चिकने बनने चाहिए ताकि रसगुल्ला हमारे फटे नहीं। इसी तरह से हम सारे रसगुल्ले बनाकर तैयार कर लेते हैं। गैस हमने ऑन कर ली है, कढ़ाई में हमने तेल डाला है, तेल हमारा गर्म हो गया है तो मीडियम आंच में हम रसगुल्लों को तल लेंगे। अब हम इनको पलट लेते हैं। देखिए कितने अच्छे हमारे रसगुल्ले सिके हैं और ये फूल भी गए हैं। अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए हमारे रसगुल्ले तब हम इनको निकालेंगे, न तो चाशनी में हम रसगुल्ले डालते हैं तो इनका हल्का कलर चेंज हो जाता है। तो देखिए हमारे अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं तो इनको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में और डाल देते हैं चाशनी में। हल्की गर्म चाशनी में हमने रसगुल्लों को डाल दिया है। अब हम इनको ढक के रख देते हैं 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो गए हैं, रसगुल्ले हमारे फूल कर तैयार हैं। देखिए आप कितने अच्छे रसगुल्ले हमारे बनकर तैयार हैं, एकदम सॉफ्ट रसगुल्ले बनके तैयार हुए हैं। तो इनको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। बासी रोटी के रसगुल्ले बनके तैयार हैं।